आप सब कैसे हैं? तो अभी मैं पहले टाइम बता देती हूँ, रात के अभी 7:30 हो गया है। तो आज पूरा दिन मेरा बिगड़ गया है। कभी कभी बीच बीच में होता है कुछ भी काम नहीं करने के लिए, तो आज पूरा दिन ऐसे ही गया है मेरा। और थोड़ा बहुत माँ बेटी मिलके हम लोग टीवी रूम जो मेरा है ना, तो टीवी रूम को थोड़ा सा क्लीन किए हैं। और तो अभी डिनर के लिए कुछ कुकिंग करूंगी, तो आप सोचे कि छोटा सा एक ब्लॉग बना लेती हूँ, तो आपके साथ 2 रेसिपी शेयर करूंगी। एक्चुअली सबको आता है ये रेसिपी, लेकिन मैं जिस तरह कुकिंग करती हूँ ना, आज आपके साथ मैं शेयर करूंगी। आई होप आपको पसंद आएगा, ठीक है? तो फिर राइस खाएंगे आज रात को, रोटी नहीं। तो दोपहर के टाइम में हम लोग रोटी खाए थे, इसीलिए रात को आज थोड़ा सा राइस खाएंगे। राइस के साथ फिश खाएंगे, रूहू फिश। मेरा हस्बैंड गए थे मार्केट सुबह ना, तो लाए हैं फ्रेश फिश है, बड़ा साइज का एक फिश लाए थे। तो इसीलिए सोचा कि आपके साथ भी 2 रेसिपी आपके साथ में शेयर करूंगी। चलिए, तो कुकिंग करूंगी। पहले सब कुछ ऑर्गेनाइज कर लिया, यहाँ पर फिश हल्दी नमक मेरीनेट करके रखी हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा गार्लिक और ग्रीन चिली, कच्चा ग्रीन चिली और ऑनियन, यहाँ पर गार्लिक जिंजर और ऑनियन, टमाटर, आलू और यहाँ पर है रतालू, ठीक है? सबको ये तो आता है, अभी मैं इसको पानी से क्लीन करूंगी। रतालू देखिए, तो रतालू की फ्राई होगा, मतलब भाजी होगा, टमाटर फिश के साथ होगा, गार्लिक और ग्रीन चिली के साथ, और फिश आलू कारी होगा, ठीक है? सब कुछ रेडी कर लिया। यहाँ पर राइस बन रहा है और यहाँ पर कढ़ाई रेडी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले गैस को ऑन करेंगे, कढ़ाई में पानी डालेंगे, हल्दी में हल्दी पाउडर और नमक डालेंगे। ये थोड़ा सा गर्म हो जाए, तो हल्दी पानी गर्म हो गया है। रतालू को अच्छा से धो लिया हूँ मैं, अभी इसको उबालने के लिए यहाँ पर छोड़ देंगे और एक ढक्कन लगा देंगे, हाफ बॉइल कर लेंगे इसको। तो ढक्कन खोल के देखते हैं कितना दूर गया है। पूरा बॉयल नहीं करूँगी क्योंकि नहीं तो फिर टूटा मूटा हो जाएगा इसके अंदर, तो हाफ बॉयल करेंगे। और यहाँ पर इस जो फ्राई करूँगी ना, इसके लिए मसाला तैयार करूँगी, ऑनियन, जीरा और ग्रीन चिली, इसको पेस्ट बना लेंगे। तो ये बॉयल हो गया है, देखिए इसको अभी निकाल लेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर कढ़ाई धो लिया हूँ और रतालू फ्राई करेंगे, ऑयल डालेंगे पहले, थोड़ा सा अच्छा से ऑयल गर्म हो जाएगा। तो कढ़ाई को इस तरह घुमा के ऑयल को इस तरह लगा लेंगे, ठीक है? और इस तरह करने से क्या होता है, ये जो रतालू ना, ये कढ़ाई में चिपक नहीं जाएगा, और नहीं तो फिर चिपक जाता है। अच्छा से गरम हो गया है, ये इसको डालें। और एक बार ऑयल को इस तरह कर लेंगे, रतालू अच्छा से फ्राई हो गया है। तो अभी मैं ये जो पेस्ट बना के रखी हूँ ना, जीरा, ऑनियन और ग्रीन चिली, इसको यहाँ पर बीच में डालूँ।
थोड़ा सा नमक, क्योंकि बॉईल के टाइम में नमक दिया था, ज़्यादा नमक नहीं चाहिए। थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन मसाला हो जाएगा, उसके बाद ही रेडी। आप आलू को भी इस तरह बना के खा सकते हैं, आलू भी अच्छा लगता है इस तरह फ्राई रोटी के साथ, नहीं तो फिर राइस के साथ। से देखिए ब्राउन ब्राउन फ्राई हो गया है, अभी एक प्लेट में निकल लेंगे। उसके बाद हम बनाएंगे टमाटर और फिश। तो टमाटर फिश के लिए पहले ऑयल डालेंगे, ऑयल गरम हो गया है। अभी यहाँ पर छोटा छोटा पीसेस कट कर रखी हूँ, गार्लिक और ग्रीन चिली, आप कद्दूकस करके भी दे सकते हैं, तो यहाँ पर मैं कट लिया हूँ। तो डालेंगे ये पूरा ब्राउन फ्राई नहीं करना है, थोड़ा सा हाफ इस तरह। इसके बाद ये टमाटर डालेंगे, टमाटर थोड़ा सा भूनना है, क्योंकि टमाटर का खुद का एक फ्लेवर मतलब स्मेल रहता है ना, ये थोड़ा सा जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए व्हाइट सरसों और टमाटर ये पेस्ट बना लेंगे ब्लेंडर में। अच्छा से ये भुनना हो गया है, अभी डालूंगे नमक और डालना है हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर और डालना है अभी सरसों और टमाटर पेस्ट। ये अच्छा से भून के अभी मुझे डालना है पानी, और इसको मैं थोड़ा सा निकल के उसके बाद फिश डालूंगी, क्योंकि मेरा बेटी श्वेता फिश नहीं खाती है ना, इसलिए थोड़ा सा निकल के हम लोग इसमें डालेंगे फिश। ठीक है, इतना सुंदर ऑयल निकल गया है देखिए। तो ब्लेंडर धो के पानी डालूंगी, तो ये रेडी हो गया है। अभी इसमें मैं थोड़ा सा नींबू निचोड़ दूंगी, और आपको नींबू पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, खट्टा पसंद नहीं है तो। यहाँ पर थोड़ा सा फिश को फ्राई करके अभी मैं डालूंगी टमाटर के साथ, ठीक है, क्योंकि श्वेता के लिए निकल के डालेंगे, तो इसीलिए कच्चा फिश से भी आप बना सकते हैं, कच्चा फिश से भी अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा श्वेता के लिए निकालूंगी ना, तो इसीलिए फिश को थोड़ा सा फ्राई करके डालूंगी। आपको ज्यादा जूस चाहिए तो ज्यादा जूस रखेंगे, नहीं तो फिर थोड़ा सा ग्रेवी ग्रेवी चाहिए तो थोड़ा सा सूखा कर सकते हैं। फाइनली यहाँ पर टमाटर पीस और गार्लिक हो गया है, प्लेट में निकाल लेंगे इसको। गरम गरम बनाइए और खाइए, ठंड होने के बाद ना ये टेस्ट नहीं लगता है। तो सब कुछ कुकिंग हो गया है, देखिए फिश करी आपके साथ मैं शेयर नहीं की हूँ, आलू और फिश के साथ करी बना लिया, और फिश फ्राई, टमाटर फिश, और यहाँ पर रहता आलू भाजी, और ये श्वेता के लिए भेज निकल लिया, फिश नहीं खाती है। फ्रेंड्स, दो रेसिपी आपके साथ मैं आज शेयर की हूँ, और कोई भी ब्लॉग नहीं बनाऊंगी, अभी पूरा 9:30 बज गया है, तो हम लोग डिनर करेंगे, और तो आई होप ये रेसिपी आपको पसंद आएगा जरूर, और पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को आप बेल बजा दीजिए, तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा जब भी मैं वीडियो डालूंगी, और जो नया आ रहा है ना मेरा वीडियो देखने के लिए, तो प्लीज एक लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट एक न्यू वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।